नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बारे में। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी के हाल ही में चुने गए 2.25 लाख के करीब जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है। ऐसे में पंचायती राज विभाग की योजना है कि अगले 15 फरवरी से इन सभी जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाए। पंचायती राज विभाग फिलहाल कोरोना संक्रमण के थमने का इंतजार कर रहा है, इसके बाद जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से तकरीबन 400 की संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी सौंपने की योजना बनाई गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की माने तो जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसके अलावा शेष दूसरे जनप्रतिनिधियों को प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग की तरफ से जो योजना बनाई जा रही है, इसमें यह कहा जा रहा है कि लगभग सभी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए निवर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पेंशन, मनरेगा, स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के साथ साथ उनके कर्तव्य और दायित्व की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच को न्याय के संबंध में व्यापक जानकारी देने के लिए वृहद पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। बता दें कि इस प्रशिक्षण के लिए 4 प्रकार की पुस्तिकाओं को तैयार की गई है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार की जानकारी दी जानी है। इसके साथ साथ ग्राम कचहरी की पूरी व्यवस्था की जानकारी भी पंच और सरपंचों को देने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि इस बार के जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 80% ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि नए चुन के आए हैं, उसमें भी युवाओं की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में सरकार इस तरह की योजना बना रही है जिसके तहत जो है जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में पता चल सके, उन्हें बताया जा सके कि बिहार सरकार किन किन योजनाओं पर काम कर रही है, उसमें पंचायत को क्या फ़ायदा हो सकता है, आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। बता दें कि इस प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों को सामाजिक सुरक्षा योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कबीर अंत्योष्टि योजना के साथ साथ खाद्य सुरक्षा योजना और अन्नपूर्णा योजना दिया गया है। इन योजनाओं के तहत भी जो है इस सब का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा और इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को कैसे दिलवाया जा सकता है, इन सब के बारे में जो है जीते हुए प्रतिनिधियों को बताया जाएगा। इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि विभाग के 400 प्रशिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। बताया गया है कि जिला स्तर पर और जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ शेष जनप्रतिनिधियों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन योजनाओं से यह साफ तय है कि सरकार इस बार जो है प्रतिनिधियों को यह बताने के मूड में है कि हम किस तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं और आगे भी आपको किस तरह से काम करना है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।